गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, सभी बच्चों को नमस्कार, सुप्रभात। आज पढ़ेंगे हम मीराबाई। स्पर्श का दूसरा जो पार्ट है उसको नाम है मीराबाई। मीरा के पद, दो पद दिए गए हैं, है ना। अब तक आपको नेहा मैम ने के नाम से कबीर और बड़े भाई सब पढ़ाया, एक पद्य का और एक गद्य का। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको मीराबाई। मीराबाई को आप सब जानते हैं, मीराबाई राजस्थान में पैदा हुई थी और राजस्थान की कवियत्री है, लेकिन आपका नाम पूरे हिंदुस्तान में चलता है। तो आपका जो जन्म है 1503 और 1546 के बीच में आपका जन्म माना गया है। आपका जन्म है जो है जोधपुर के चौकड़ी, जोधपुर से जब इधर आते हैं हम तो चौकड़ी है, मेरा का मंदिर बना हुआ वहां पर, और कुर्खी गांव में 1503 में माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से उनका विवाह हो गया। अर्थात जो मेरा भाई की शादी है वो अपने चित्तौड़ अपने मेवाड़ में जो महाराणा सांगा थे, सांगा जिस सब जानते हैं, और उनके जो पुत्र थे भोजराज, उनसे आपका विवाह हो गया है। लेकिन उनका जीवन हमेशा दुखों की छाया में रहा बीता। बाल्यकाल की अवस्था में उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया, तब समय पश्चात शादी होने के बाद, और बाल्यकाल जो बालक की अवस्था थी तभी आपकी माता का स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति होकर स्वर्गवास हो गया, फिर पिता, और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। तो इस प्रकार से आपको भौतिक जीवन में बहुत कष्ट मिले हैं। बचपन में माँ का स्वर्गवास हो गया, फिर पिताजी का स्वर्गवास हो गया, फिर शादी होने से कुछ दिन बाद में अपने पति का देहांत, स्वर्गवास हो गया, और फिर क्या नाम से युद्ध के दौरान जो राणा सांगा थे उनका देहावसान हो गया। तो इस प्रकार से आपका जो जीवन है भौतिक जीवन है बड़े कष्टों में बीता है, कष्ट ही कष्ट आपके जीवन में आए हैं। तो इनसे निराश होकर के आप आध्यात्मिक की ओर लौटी, भगवान की भक्ति में आपने ध्यान लगाया, श्री कृष्ण को अपना पति माना, और श्री कृष्ण का जो माधुर्य भाव है, इसको कहते हैं माधुर्य भाव, भक्ति के 9 रूप 10 रूप है, तो जो माधुर्य का जो रूप है उसमें आराध्य अपने क्या नाम से ईश्वर की आराध्य की जो भक्ति है वो अपना पति मानकर करता है। तो इन्होंने मीरा ने घर परिवार का त्याग कर दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल की भक्ति में या कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई, अर्थात वृंदावन चली गई और वहां जाकर के क्या नाम से श्री कृष्ण की भक्ति में आप लीन हो गए। और कौन सी भक्ति की? इन्होंने दीन भाव, दीन भाव की, और जहां पर अपने आप को दीन मानता है, भगवान सेवक मानता है, और माधुरी भाव की, जो क्या नाम से अपने आराध्य को पति मान करके जो भक्ति करता है उसको कहते हैं माधुर्य भाव। याद रखना इस चीज को कि मीरा की भक्ति कौन सी भाव की भक्ति कहलाती है, तो आप इसका झट से जवाब दे देंगे कि मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति माना, पति समझ करके उनकी भक्ति की, इसलिए माधुर्य भाव कहलाता है। ठीक है बेटा, चले आगे। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशेष स्थान है। अर्थात भक्ति काल जो क्या नाम से 1375 से लेकर 1700 तक का जो समय रहा है, मैंने बताया था आपको कि 1375 से और 1700 तक का जो काल रहा है वो मध्य काल कहलाता है, और मध्य काल में भक्ति काल कहलाता है, जहाँ पर 2 धाराएं चली थी, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो उसमें मीरा ने भगवान कृष्ण की सगुण भक्ति, साकार भक्ति के रूप में भक्ति की, तो आपका जो स्थान है बड़ा महत्वपूर्ण स्थान वहां माना गया है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित है। अर्थात उत्तर भारत में तो है ही, उत्तर भारत में तो सब आपके सुने जा सकते हैं, लेकिन गुजरात भी रही आप, और उधर बिहार चली गई, बिहार से आगे क्या नाम से जो पूर्वी जो हिंदी है वहां तक भी आपके पदों को पाया जा, देखा जा सकता है। तो पूरे समस्त भारत में आपके पद, आपके जो को गाए जा सकते हैं, गाए जाते हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती है। अर्थात जो मीराबाई है हिंदी भाषा और गुजराती भाषा
दोनों की प्रमुख कवयित्री मानी जाती है। हिंदी की तो कवयित्री है ही, क्योंकि राजस्थान में जन्म हुआ तो राजस्थानी और जो हिंदी भाषा है वो तो आप जानती थी, लेकिन जीवन का जो अंतिम समय आपने गुजरात में बिताया और गुजरात में रही, आपका जो क्या नाम से इंतकाल है वो भी गुजरात के अंदर ही हुआ, तो गुजराती भाषा भी आप जानती थी, इसलिए गुजराती और हिंदी की प्रमुख रूप से आपको कवित्री माना जा सकता है। संत रैदास की शिष्या की कुल 7-8 कृतियां उपलब्ध है, अर्थात मेरा क्या नाम से वहां बनारस भी गई, काशी भी गई, और वहां क्या नाम से वो रैदास से भी मिली और रैदास को अपना गुरु बना लिया और उनको गुरु बना करके रैदास जानते हैं आप, रविदास, रैदास कह दो या रविदास कह दो, रैदास तो शॉर्ट में कहते हैं रविदास, रविवार के दिन उनका जन्म हुआ था इसलिए रविदास कहा जा सकता है। तो रविदास को अपना गुरु बनाया और उनकी शिष्या बन करके भक्त की, चित्रोड़ लेके भी आई थी रैदास को। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की आ गया ना, दैन्य मतलब दीनता जहाँ होती है कि मैं मेरा कोई नहीं है, आप ही है भगवान परमात्मा ईश्वर, आप ही है, आपके अलावा संसार में मेरा दूसरा कोई नहीं है। और माधुर्य होता है पति, अर्थात मेरे पति आप ही है, अर्थात मैं आपकी पत्नी हूँ, अर्थात मैं आपको पति मान करके आपकी भक्ति करती हूँ। तो मीरा ने जो उनकी भक्ति की है वो दैन्य भाव, दीनता के भाव और माधुर्य भाव की भक्ति की है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है, अर्थात योगी जो भक्ति करते हैं, संत लोग जो भक्ति करते हैं और वैष्णव जो भक्ति करते हैं, इन सबका प्रभाव आपकी भक्ति में देखा जा सकता है। मीरा के पदों में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जा सकता है, अर्थात जो पढ़ेंगे इनके तो इन पदों के अंदर देखेंगे कि मीरा के जो पद है उसमें क्या नाम से राजस्थानी भाषा भी है, ब्रज भाषा क्योंकि वहां मथुरा वृंदावन में रही है तो वहां की भाषा भी आपकी पदों में देखी जा सकती है, और अंत में गुजरात में रही है तो गुजरात के जो पद है, गुजरात की जो भाषा है वो भी आपके पदों में देखी जा सकती है। तो इन सबका मिला जुला मिश्रण आपके पदों में हम पढ़ सकते हैं। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूरी के प्रयोग भी मिल जाते हैं, अर्थात पंजाब की भाषा है और खड़ी बोली जो आप जानते हैं जो हमारे हिंदी का जो वास्तविक मानक रूप है, खड़ी बोली, और पूर्वी जो है अवध, अयोध्या से आगे की जो उतर जाते हैं, बिहार तक जाते हैं, उसको बोलते हैं पूर्वी भाषा, तो वो भाषा भी आपकी भाषा इसमें पदों में देखी जा सकती है। इस प्रकार से गुजराती और हिंदी की तो प्रमुख कवित्री रही है और उनकी भाषा का तो मिश्रण रहा है, लेकिन पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी आपकी भाषा में मिल जाते हैं। कहते हैं पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मेरा घर द्वार छोड़ करके वृंदावन में जा बसी, अर्थात पारिवारिक संताप क्योंकि पति खत्म हो गए और पति खत्म होने के पश्चात क्या नाम से मेरा भाई कृष्ण की भक्ति में लग गई, तो ससुराल वालों ने ससुराल में इनको काफी कष्ट झेलने पड़े, काफी संताप इनको झेलने पड़े, काफी दुखों का सामना इनको करना पड़ा, इसलिए ये फिर क्या नाम से अपना घर परिवार राजमहल छोड़ करके सीधी वृंदावन चली गई और वहां पर श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्णतया लीन हो गई और कृष्णमय हो गई है, अर्थात कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। इनकी रचनाओं में इनकी आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म है, निराकार के रूप में देख सकते हैं भगवान को इनकी भक्ति में कहीं कहीं, और कहीं सगुण साकार श्री कृष्ण, गोपी बल्लभ श्री कृष्ण, और कहीं निर्मोही परदेशी योगी के रूप में भी संकल्पित किए गए हैं, अर्थात कहीं निराकार भगवान भी देख सकते हैं, कहीं साकार भगवान श्री कृष्ण जो है वो भी मिलते हैं, और कहीं जो परदेशी के नाम से जो योगी है उस रूप में हम देख सकते हैं, तो इनका मिला जुला रूप है। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अद्भुत होती थी, अर्थात कैसे भी हो, साकार हो निराकार हो, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम में वो संकल्पित थी, अभिभूत होती थी और अपने क्या नाम से अपना पति समझ करके ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की पूर्णतया समर्पित होकर के और उनकी भक्ति करने लगे। इस पाठ में संकलित दोनों पद मेरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित है, आज पाठ के अंदर दो पद दिए गए हैं, एक तो है ये हरि तुम हरो, आप हरो जग की पीर भीर है, और दूसरा है श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी है, दो पद दिए गए हैं और दोनों ही पद श्री कृष्ण को समर्पित है, दोनों ही पद क्या नाम से श्री कृष्ण को संकल्पित है, तो इन दोनों ने श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए दोनों पद लिखे हैं।
मेरा अपने आधार आराध्य अपना आराध्य होता है जिसकी पूजा करते हैं पाठ वो करते हैं मनोहार करती है कि आप ऐसे हैं आप वैसे हैं, आपने संसार के लोगों का जिन्होंने कष्ट में आपको पुकारा उनके कष्टों को दूर किया है, लाड भी लड़ाती है, प्यार भी करती है, लाड़ लड़ाती है, स्नेह भी कर देती है। तो अवसर आने पर उलाना से भी नहीं चूकती, अवसर आता है कि आप भगवान है और भगवान तो सबके भगवान है, भगवान को जो याद करता है उसको उसी समय उसके भगवान दौड़े हो जाते हैं तो उनको उलाना देती है, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे आ नहीं रहे। इस प्रकार से उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती है, अर्थात क्षमताएं जो उनकी है, उनकी जो क्या नाम से क्षमताएं है कि आप परमात्मा है, आप ईश्वर है, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है दुनिया के अंदर संसार में, तो आप आइए और हमारे कष्टों को दूर कीजिए। तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती है, अर्थात जो भी कर्तव्य है आपके कि परमात्मा का काम है सबकी रक्षा करना, सबकी सेवा करना, सबका उद्धार करना, सबको कष्टों से मुक्ति दिलाना, तो आप आइए और मेरे भी कष्ट है संसार के, मेरे बहुत सारे कष्ट है, उन कष्टों से संसार को मुक्त कीजिए, है ना। ये है यहाँ पर, तो ये दो पद इसमें दिए गए हैं और दोनों पद हम पढ़ेंगे। पहला पद है हरि आप हरो जनरी भी, अर्थात जो पहला पद है उसमें अपने पुत्र कृष्ण से जन जन की पीड़ा को हरने के लिए विनती करती है। वो द्रौपदी और प्रहलाद, दुर्गजराज, कुंजर का उदाहरण देकर श्री कृष्ण को अपने प्रति कर्तव्य का स्मरण कराती है कि हे गिरधर आप मेरी पीड़ा को भी हरिए, हरण कीजिए, दूर कीजिए, मुझे सांसारिक भाव बंधनों से छुटकारा दिलाइए। इस प्रकार मेरा अपने आराध्य की क्षमताओं का गुणगान करते हुए उनको स्मरण करती है, उनका स्मरण करती है आकृति। और जो दूसरा पद है, दूसरे पद में मेरा अपने आराध्य का सामीप्य पाने के लिए उनकी काफी चाकरी, उनकी चाकरी करने की इच्छा रखती है। वे श्री कृष्ण के सभी काम करने को तैयार है, प्रातः उठकर उनके दर्शन करना चाहती है, वे वृंदावन की कुंज गलियों में कृष्ण लीला का गुणगान करना चाहती है, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए इष्ट देव से यमुना के किनारे दर्शन देने का भी अनुरोध करती है। अर्थात मेरा इन पदों में कभी अपने आराध्य से मनवार करती है, कभी लाड़ लड़ाती है, मौका मिलने पर शिकायत भी करती है। इस प्रकार मेरा का संपूर्ण व्यक्तित्व कृष्ण से जुड़ा हुआ है। इनकी भक्ति जो है वो दयनीय और माधुरी भाव की बताई दिया मैंने आपको। और इन पदों में मेरा का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य एक निष्ठ प्रेम दृष्टिगोचर होता है। तो ये बात है बेटा, है ना। और इनके पदों को पढ़ते हैं हम। जैसे पहला पद है हरि आप हरो जननी भीर, हरि आप हरो जननी भीर, अर्थात हरि भगवान, भगवान तो सबके हैं, संसार के हैं, अर्थात हे भगवान, हे परमात्मा, आप संसार के कष्टों को हरिए। हरि आप हरो जननी भीर, हरि मतलब श्री कृष्ण और हरो मतलब दूर करो, और जन मतलब सेवक और भीर होती है पीड़ा, अर्थात हे भगवान, हे कृष्ण, आप दूर कीजिए। क्या दूर कीजिए? जनता की, जन लोगों की, हमारी वीर मतलब पीड़ा को दूर कीजिए। हरि आप हरो जनरी वीर, अर्थात हे श्री कृष्ण, हे भगवान, आप क्या नाम से जनता के दुखों को दूर करें, जनता के कष्टों को दूर करें और उनको दुखों से मुक्ति दिलाएं। जनरी भी जन मतलब जनता, सेवक जो भी है, वीर होती है पीड़ा, अर्थात इस पीड़ा को दूर करें। इस संसार में, सांसारिक जीवन में बहुत सारे कष्ट है, संसार में लोगों को बहुत सारे कष्ट मिले हुए हैं, अर्थात उन कष्टों से मुक्ति दिलाइए आप। फिर उदाहरण देती हो कि आपको जिन जिन्होंने जब जब भी कष्ट आए, दुख आए, पीड़ा आए, आई और उन्होंने आपको याद किया तो आप वहां पहुंचे और आप पहुंच करके उनकी पीड़ा को दूर किया। तो क्या क्या उदाहरण देती है वो कि द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ाए चीर, महाभारत के युद्ध का प्रसंग याद है आपको, क्या नाम से जब वो लगा दिया था उसको दांव पर पांडवों ने, मेरा को, मेरा क्या नाम, उसे द्रौपदी को, द्रौपदी के नाम से उनकी पत्नी थी, तो दुशासन ने उसका चीर हरण करके उसको नग्न करना चाहा, लेकिन जब मेरा भाई ने, सॉरी द्रौपदी ने क्या नाम से कृष्ण को याद किया, कृष्ण दौड़े आए, कृष्ण की कृपा इतनी हुई कि इतना चीर हो रहा है बड़ा उनका कि वो उसके आत्मरक्षा सम्मान रक्षा हो पाई, है ना। तो कहने का अर्थ है श्री कृष्ण सबकी रक्षा करने की प्रार्थना की। वह कहती है, क्या कहती है कि हे प्रभु आप लोगों के मन की पीड़ा को दूर करो। जब दुशासन ने
दुशांत था दुर्योधन का छोटा भाई, अर्थात उसने चीरहरण किया, भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करना चाहा, तब आपने वस्त्र बढ़ाकर उसकी रक्षा की, जब उसका चीर बढ़ा करके साड़ी को बढ़ा करके लंबा करके और उसके आत्मसम्मान की, उसकी मान मर्यादा की आपने रक्षा की। आपने भक्त प्रहलाद है, भक्त कारण रूप नरहरि दरियो आप शरीर, अर्थात भक्त जो प्रहलाद है हिरण्यकश्यप का उसके पिता थे, और हिरण्यकश्यप क्या नाम, बड़े हटे आदमी था, वो कहता था मैं ही भगवान हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, विष्णु भगवान राम इनका कोई नाम नहीं लेगा, मेरा नाम लेगा, मेरी प्रजा में जो भी रहता है वो केवल हिरण्यकश्यप का नाम लेगा, न विष्णु का नाम लेगा, न हरि का नाम लेगा, न राम का नाम लेगा, न कृष्ण का नाम लेगा। लेकिन उनके जो पुत्र थे भक्त प्रहलाद, वो बड़े भक्त थे परमात्मा के, वो कहते थे पिताजी आप ऐसा न करें, आपके नाम से इस तरह से करके और भगवान को नाराज करना चाहता है तो ऐसा मत करो। तो वो क्या नाम से अपने पुत्र के पीछे पड़ गया और उसको पुत्र को मारने के लिए उसने अनेक प्रयास किए, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसके पिता को भगवान ने खुद ने मारा। कैसे कि भगत कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर, अर्थात अपने भक्त के कारण, अपने भक्त प्रहलाद के कारण आपने नर हरि शेर और इंसान का जो शरीर है वो बनाया, आपने धारण किया नर हरि, और नर हरि नर होता है इंसान मनुष्य और हरि होता है शेर, धरियो आप धारण मतलब धारण किया आप शरीर, शरीर बना करके आपने क्या नाम से हिरण्यकश्यप को मारा। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वो किससे नहीं मरेगा, न इंसान से मरेगा, न जानवर से मरेगा, वो केवल क्या नाम से न सुबह मरेगा, न रात को मरेगा, न अंदर मरेगा, न बाहर मरेगा, इस प्रकार से उसको न नीचे मरेगा न ऊपर मरेगा। तो भगवान ने नरहरि नरसिंह का रूप धारण किया और उसको मारने आए, कब सुबह 4 बजे के आसपास, जब न सवेरा होता है न रात होती है, और घर की उसके मकान की देहरी के बीच में बैठ करके, न अंदर न बाहर, बीच में बैठ करके उसका हरण किया, उसको मारा, न शाम को मारा न सुबह मारा, न अंदर मारा न बाहर मारा, बीच में बैठ करके, न इंसान ने मारा न जानवर ने मारा, इस प्रकार से नर हरि नरसिंह का रूप धारण किया और अपने क्या नाम से भक्त की रक्षा की। तो आपने जब जब भी लोगों ने आपको पुकारा, जब जब भी आपको याद किया, तब आप पधारे और आपने उनकी कष्टों को, उनको कष्टों से मुक्ति दिलाई। ये है तो भगत कारण रूप नर हरि धरि हो आप शरीर, अर्थात अपने भक्त कारण, भक्ति के कारण और भक्त को बचाने के कारण क्या नाम से नरसिंह का रूप धारण किया और इस प्रकार से हिरण्यकश्यप को का नाश किया आपने, क्या मुक्ति दी, मोक्ष दिया उसको। आगे बात समझे, गूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, गूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, अर्थात आपने डूबते गजराज है, जिसको क्या नाम से डूब रहा था गजराज को, क्या नाम से मगर जो है, मगर जानते हो ना पानी में रहता है, वो खींच जा रहा था, नीचे जा रहा था, लेकिन गजराज ने भगवान को याद किया, कृष्ण को याद किया, भगवान दौड़े हुए गए और मगर को मारा और क्या नाम से गजराज की रक्षा की। तो आपने डूबते हुए गजराज को बचाया था, हाथी का कष्ट दूर करने के लिए मगरमच्छ को मारा था, उस हाथी के कष्टों को से मुक्ति दिलाने के लिए आपने मगरमच्छ को मारा। दासी मीरा लाल गिरधर माँ हरो मारी, जब इतने का इतने क्या नाम से जो कष्टों में वो थे लेन, उनके कष्टों से बचाया आपने, तो मैं तो आपकी दासी हूँ, आपकी सेविका हूँ, अर्थात आप मेरी तीर को, मेरी पीड़ा को क्यों नहीं काटते हो, मुझे जीवन से मुक्ति दीजिए और जीवन के कष्टों को, मेरे जीवन कष्टों से तो दूर कीजिए। तो मीरा दासी मीरा लाल गिरधर मारी हरो मारी वीर, अर्थात मेरा तो गिरधर की दासी है, इसलिए उसकी पीड़ा को दूर कीजिए। मेरा अपने जीवन की सबसे बड़ी कामना भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होना बताती है इसके अंदर। तो आपके समझ में आ गया होगा ये पद, मैं समझता हूँ, और इसके कुछ जो शिल्प सौंदर्य देखे आप, कि मेरा अपने साथ सामान्य जन की पीड़ा को हरने का कृष्ण प्रार्थना करती है, इसमें कवयित्री की परोपकार की भावना प्रकट की गई है, भाषा अत्यंत ही सरल और क्या नाम से कोमल है, सरल है, मधुर है, ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है इसके अंदर,
भाषा में संगीतात्मकता गा सकते हैं, लयात्मकता है, लय के साथ इसको हम गा भी सकते हैं। हरी तुम हरो जन की, आप हरो जन की पीर है, इस प्रकार के भजन के रूप में भी हम सुनते हैं, गाते हुए गाया जा सकता है। ब्रज भाषा के शब्दों से युक्त राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है, अर्थात ब्रज भाषा जो है ब्रज की प्रदेश की भाषा है, वह पूरी इसके अंदर देख सकते हैं, और उसके साथ राजस्थानी भाषा भी आप इसमें मिल जाती है, और अनुप्रास अलंकार का जगह जगह प्रयोग मिल जाता है। हरि शब्द में श्लेष अलंकार है, हरि होता कृष्ण है और हरि होता हरना, नष्ट करना। दृष्टांत अलंकार भी हम देख सकते हैं इसके अंदर। मीरा ने पद शैली में रचना की है, इस शैली में चित्रात्मकता का गुण भी विद्यमान है, माधुर्य गुण है और भक्ति रस है, तो ये इसके विशेषता है, इनको याद करना, अच्छे देख लेना। दूसरा जो पद है वह है माने श्याम माने चाकर राखो जी, अर्थात मेरा भाई श्री कृष्ण की चाकरी में करना चाहती है, नौकरी करना चाहती है और उनसे प्रार्थना करती है, उन्हें अपने आराध्य से कहती है कि हे भगवान हे कृष्ण आप हमको चाकर रखिए, अपनी नौकरी में रखिए, दासी बनाकर रखिए। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, अर्थात गिरधारी होता श्री कृष्ण, गिरधर मतलब पर्वत को धारण करने वाले, लाला लाल भगवान आप माने चाकर राखो, इस प्रकार से हमको चाकरी में रखिए, अपनी नौकरी में रखिए, चाकर रहेंगे रहोगे तो मुझे बहुत सारे लाभ होंगे, आपके खर्ची मिलेगी, पैसा मिलेगा और पैसे के साथ साथ आपके दर्शनों का लाभ भी मिलेगा मुझे, है ना। तो कहती है कि श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, मान्यता मुझे है, माने चाकर मतलब नौकरी, दासी राखो मतलब रखना, अर्थात हे भगवान हे श्री कृष्ण आप मुझे अपनी चाकरी में अपनी नौकरी में दासी बनाकर रखिए। वही बात भी गिरधारी लाला अर्थात गिरधर के लिए कहती है, श्री कृष्ण के लिए कहती है कि आप मुझे चाकर रखिए, अर्थात मीरा श्री कृष्ण की चाकरी करने की इच्छा प्रकट करती है और कहती है हे कृष्ण मुझे आप दासी बना लो, हे गिरधारी लाल आप मुझे अपनी चाकरी में रखिए, दासी बनाकर रखिए। तो क्या क्या कहेगी वो, कहती है आगे चाकर रहू बाग लगा छू नित दर्शन पासू, अर्थात मैं दासी बनकर के रहूंगी आपकी और आपके बगीचे में अनेक पौधे लगाऊंगी, अनेक पौधे लगा करके लगाऊंगी तो अनेक सारे फूल वहां पर आएंगे, इससे मैं प्रतिदिन सुबह उठते ही आपके दर्शनों का लाभ भी मिलेगा, अर्थात करी नो चाकर रहू बाग लगा छू नित उठ दर्शन पाशू, अर्थात चाकर रहू चाकर नौकरी में रहूंगी, आपकी दासी बनकर रहूंगी तो बाग लगाऊंगी, नए नए पौधे लगाऊंगी, पौधों में पानी दूंगी, काम करूंगी और नित्यता रोजाना उठ करके और दर्शन पाशू, दर्शन होता है दर्शन, आपके दर्शनों का लाभ भी मैं लूंगी। बात समझ आ रही है आपके, चाकर रहू बाग लगा छू अर्थात चाकरी करते हुए बाग लगाऊंगी और बाग मतलब पेड़ पौधे लगाऊंगी, उनको पानी दूंगी, फूल आएंगे और रोजाना मुझे लाभ होगा कि सुबह उठूंगी तो उठ करके आपके सुबह सुबह मुझे दर्शन भी हो जाएंगे। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद गीला गाछू, और इसके साथ साथ जो वृंदावन जो शहर है जो गांव है और वहां की जो कुंज गलियां है, कुंज क्या नाम से कुंज गलियों को बोलते हैं, लताओं से परिपूर्ण सगरी गली भी हम कुंज गली कह सकते हैं, तो मैं वृंदावन की कुंज गलियों में कृष्ण की लीला का गुणगान कर सकूंगी, अर्थात आपकी फसलों को गाऊंगी, आपकी लीलाओं को गाऊंगी और आपकी गुणाओं का गान करूंगी, गा गा करके आपकी जो जो लीलाएं हैं उनको मैं लोगों को बताऊंगी और गोविंद लीला गाशू चाकरी में दर्शन पाशू सुमरण पाशू खर्ची, अर्थात चाकरी करते हुए आपके दर्शन तो मुझे होंगे, चाकरी में दर्शन पाशू अर्थात चाकरी करते हुए दर्शन मतलब होता दर्शन, मुझे आपके दर्शन प्राप्त होंगे और सुमरण पाशू खर्ची और नाम सुमरण रूपी खर्ची मिलेगी, जो आपका नाम लूंगी मैं वही मेरे लिए खर्ची है, खर्चा है, पैसा है, जैसे किसी को नौकर को पैसा देते हैं खर्चा देते हैं उसी प्रकार से मैं पैसा लेकर के मैं तो आपका नाम स्मरण ही मेरे लिए खर्चा होगा, है वो प्राप्त होगा मुझे, है ना।
चाकरी में दर्शन पाशो था, चाकरी करते हुए मुझे आपके दर्शन मिलेंगे, दर्शन की प्राप्ति होगी और सुमरण यानी स्मरण के रूप में आपसे मुझे खर्ची के रूप में वो क्या नाम से आपका नाम है जिसकी लीला का गुणगान करूंगी वही मेरे लिए खर्चा होगा। भाव भगति जागीरी पाशु तीनों बाता सरसी, अर्थात नाम स्मरण रूपी खर्ची प्राप्त होगी, भाव भक्ति रूपी जागीर मिलेगी प्राप्त होगी और ये तीनों बातें मेरी पूरी हो जाएगी है? तो ये है इसके अंदर। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कि मेरा कृष्ण कैसा है, है? उनका कृष्ण भगवान का जो कृष्ण कैसा है कि मोर मुकुट पीतांबर सोवे गल वेजंती मार, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। अर्थात उनका कृष्ण कैसा है, उनके भगवान कैसे है, उनका पति कैसा है। वो कहती है कि उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख है, मोर मुकुट पंख युक्त मुकुट सुशोभित है। अर्थात मोर से बना पंखों से बना हुआ मुकुट वो पहनते हैं, गल वेजंती माला और गजे में गले में वेजंती माला, वेजंती जो पेड़ होता है पौधा होता है उसकी माला वो पहन रखी है उन्होंने, एक प्रकार का फूल होता है वेजंती है? और वो बड़ा वो मिलता है तो क्या नाम से उसके फूलों की माला उन्होंने पहन रखी है। कैसे है कि उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख युक्त मुकुट सुशोभित है और गल वेजंती माला, गले में वेजंती पुष्प की माला वो पहनते हैं, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। अर्थात वृंदावन में गायें चराते हैं, धेनुती गायें है, वृंदावन होता है वृंदावन शहर, वृंदावन का नाम है, शहर का नाम है, गांव का नाम है। तो वृंदावन गांव के आसपास वो क्या नाम से धेनु अपनी गायों को चराते हैं, मोहन मुरली वाला, मोहन जो है मनमोहन वो उनके पास मुरली है और मुरली बजाते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं बिच बिच राखू बारी, क्या करूंगी मैं, मेरा ऊंचे ऊंचे महल बना करके बड़े बड़े महल बना करके और उसमें खिड़कियां बनाना चाहती है, बारी होती है खिड़की है, बीच बीच राखू बीच बीच में बारी होती है खिड़कियां, खिड़कियां बना करके रखना चाहती है। अर्थात ऊंचा ऊंचा बड़े ऊंचे ऊंचे महल बनाओ, महल बना करके और बीच बीच राखू बारी बीच बीच में खिड़कियां रखना चाहती है, बनाना चाहती है ताकि उनको श्री कृष्ण के दर्शन रोज हो सके। जब खिड़की रहेगी मकान के अंदर, खिड़की में देखते रहिए और श्री कृष्ण के दर्शन वो प्राप्त कर पाएगी। बस में आ रही बेटा, ऊंचा ऊंचा महल बनाऊ बिच बिच राखू बारी, अर्थात ऊंचे ऊंचे महल बन जाएंगे बनाऊंगी और उन महलों के बीच बीच में बारी होती है, बारी खिड़कियां घरों के होते हैं खिड़कियां जो बोलते हैं वो मैं रखूंगी। सांवरियारा दर्शन पाशु पहर कुसुम्बी साड़ी, और उस खिड़की के अंदर से मैं सांवरिया होता श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, दर्शनों का लाभ लूंगी। पहर कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी होती है लाल रंग की साड़ी है, पहन करके और मैं क्या जो लाल रंग की साड़ी होती है वो सुहाग की प्रतीक होती है और शुभ होती है, तो कुसुम्बी साड़ी पहन करके मैं अपने सांवरिया अपने श्री कृष्ण अपने माधव अपने श्री कृष्ण के दर्शनों का लाभ लूंगी। सांवरियारा दर्शन पाशू पहर कुसुम्बी साड़ी, अर्थात लाल रंग की साड़ी पहन करके कुसुम्बी साड़ी पहन करके और मैं क्या नाम से अपने श्री कृष्ण के अपने क्या नाम से सांवरिया के अपने जो श्री कृष्ण के दर्शनों का लाभ लूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रहती, अर्थात मतलब कहती है कि हे प्रभु हे भगवान हे श्री कृष्ण आप मुझे आधी रात के समय मुझे यमुना जी के किनारे दर्शन देने आना, अर्थात यमुना के किनारे दर्शन देना है। ये हे गिरधर मेरा मन आपसे मिलने के लिए अत्यंत अधीर है, मेरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो गणो अधीर, अर्थात हे मेरा के कृष्ण मेरा की गिरधर नागर मेरा जो मन है वो आपसे मिलने के लिए बहुत लालायित है बहुत अधीर है, अर्थात आप मुझे वहां आकर के आप मुझे दर्शन अवश्य देंगे। इस प्रकार के ये दो पद है बेटा और संपन्न होता है ये देख ले आप उनको क्या नाम से
भक्ति रस में से परिपूर्ण है, दोनों पर है, दोनों में लयात्मकता है, गीतात्मकता है और वैसानी भाषा का प्रयोग है, दोनों में अनुप्रास और इसका प्रयोग हुआ है, माधुर्य रस है दोनों के अंदर, है ना। तो यह है इस प्रकार से आज का जो इनका मेरा का खत्म होता है ना। कल कोई और बात पढ़ेंगे हम।